तो आज मैं सुबह जल्दी जाग गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मुझे बहुत सारा काम करना है। सो मैं दिखाऊंगी आपको कितने बजे जग गई हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं टाइम। ये देखिए गाइस, 7 बज गए हैं। आज मैं जल्दी जा गई हूँ क्योंकि मुझे ये जो कपड़े हैं ना, इन सबको धुलना था। देख रहे हैं ना कितने सारे हैं। धोबी बना दिया हमको पूरा, धोबी सही करो सुबह सुबह उठ के। तो गाइस बहुत टेंशन से बात हो गई है, इतना सारा काम भी पड़ा है, इतने सारे कपड़े धुलने हैं। तो मैं बहुत समय के बाद वापस आई हूँ। सुबह मैंने दिखाया था मुझे बहुत सारा काम करना था, सो मैंने बहुत सारा काम को बहुत कम में कन्वर्ट कर दिया है। इस समय मैं क्या कर रही थी, मैंने उतना सारा काम निपटाने में, फिर मैं नहाई नहाने में, पूजा करी, पूजा करने में मैं खाना नाश्ते रेडी करने लगी। उसके बाद फिर मैंने खाना रेडी कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सब्जी जो पक रही है बहुत जोरों से। आज मैंने बनाया है टमाटर आलू की सब्जी, और अभी ये पका नहीं है, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब थोड़ा देखने में सही लगेगा, अभी तो अजीब सी लग रही है। टमाटर आलू की सब्जी है, और इधर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, पूड़ियाँ बन गई है। ये रहा मेरा नाश्ता। ये आप लोग सोच रहे हो ना कितनी सारी चाय है, पर मुझे इतनी सारी चाय पीने में अच्छी लगती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये हमारे यहाँ पापड़ी मिलती है, उसके साथ ये आलू की सब्जी है, ये इस प्रकार की चटनी मिलती है, ये मैंने इसमें चाट मसाला स्प्रे कर रखा है, और ये मेरी टी है। अब मैं ये सब नाश्ता रेडी, और अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर टहलेंगे उधर टहलेंगे, मस्ती आएंगे हाँ करेंगे, और फिर मैं रेडी होके अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में चली जाऊँगी। फिलहाल अभी इतना ही, बाकी जो भी होगा नया तो मैं बता दूँगी। हेलो, तो आज मैं क्या बताऊँ, कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं है। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अभी जा रही थी जॉब पे, इतनी जोर जोर से बारिश होने लगी, इतनी जोर जोर से बारिश होने लगी कि मुझे सडनली घर में ही रहना पड़ा। अब क्या बताया, सोच रहे थे जल्दी पहुँच जाएंगे, हमेशा देर हो जाती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फोन एक तो 8:30-12 बज जाता है, वो भाई को टिफिन देने जाओ, वो वेट कराते हैं, इतनी दूर से फोन कर देंगे कि ले लो, तब भी खड़े रहना पड़ता है, उनका इंतजार करो, उसके चक्कर में मुझे लेट हो जाता है। अन्य आज जल्दी चले जाएंगे तो बारिश इतनी तेज होने लगी कि क्या बताया, जा ही नहीं पाई, यहीं पटक गए। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तेज देखिए बारिश, देख रही हूँ कितनी तेज हो रही है, और पानी ना थोड़ा गलत साइड से गिर रहा है ना, तिरछा तिरछा जैसे बोलते हैं ना वैसे, तो ये पूरा पानी ना मेरे घर के अंदर घुसा रहा है। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए है ऐसे बारिश हो रही है कि पूरा घर के अंदर गिरा रहा है। मैं आपको ठीक से बाहर से दिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज हो रही है। ये देखिए गाइस, झमाझम बारिश, मस्त एकदम झकास वाली। हे गाइस, हम लोग आ गए हैं अब छत पर, जो कि बारिश हो रही है अभी, लेकिन धीमी हो गई है, पानी ये निकल नहीं रहा, धीमी हो गई है बारिश, और मेरे दीक्षा दीदी यहाँ छत पर पानी भर गया है तो उसे साफ कर रही हैं, और यहाँ सभी जगह पानी भरा हुआ है। गैस हम आपको दिखाते हैं, यहाँ सभी जगह पानी भर गया है, देखिए यहाँ दीक्षा दीदी साफ कर रही हैं, काफ़ी बारिश हो गई है, पूरे जीने गीले हो गए हैं, और अभी हो रही है बंद नहीं हुई है। इस तो आज मेरे साथ प्रैंक कर दिया है भगवान जी ने, इतना सारा जुलूम आप मेरे साथ ही क्यों करते हो? हम ही मिलते हैं उनको जुलूम ढाने के लिए, बता उतनी देर से तेज तेज बारिश कर रहे थे, जब मैंने पूरा पूरा मूड बना लिया कि हाँ जाते हैं छत में, हम इंजॉय करते हैं बारिश में, रील बनाते वीडियो, तो चले गए लेके अपनी बाल्टियाँ और डब्बे उठा के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ठीक है, अब देना नहीं दोबारा, हम जा रहे हैं अपने जॉब पे, लेट हो गया है मुझे, टाटा बाय।